गत कुछ वर्षों में शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन आया है, गुणवत्ता में सुधार आया है, उस दृष्टि से मेरे क्षेत्र के बच्चे भी बड़ी संख्या में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है। बोर्ड की परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आए हैं बड़े उत्साहजनक हैं। अर्थात उनके अंदर जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे लगभग 3,500 बच्चे हैं, और उनके साथ इवन 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले भी लगभग 1,000 विद्यार्थी हैं। कल इनका सम्मान समारोह रखा है। इनमें से जिनको 80% से अधिक प्राप्त हुए हैं उनको मेडल पहनाया जाएगा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, और बाकी शेष बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। ऐसे लगभग अजमेर उत्तर के 46 सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं जिनके बच्चे इसमें आएंगे, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इसका जो कार्यक्रम में जिनका आशीर्वाद मिलने वाला है, सानिध्य प्राप्त होने वाला है, ऐसे निम्बार पीठ के श्री जी महाराज हैं। उनका पिछले वर्ष भी सानिध्य मिला था और बच्चों को बहुत उत्साह लगा। लेकिन इस कार्यक्रम में एक और जो हमें तोहफा मिला है वह है कि इसकी जो मुख्य अतिथि हैं वह मानव संसाधन मंत्रालय की पूर्व मंत्री और वर्तमान में कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, जो कि एक अच्छी श्रेष्ठ कलाकार भी रही हैं, उनका मुख्य अतिथि के रूप में हमको मार्गदर्शन मिलेगा। वे कल प्रातःकाल दिल्ली से रवाना होकर के जयपुर से रवाना होकर के ठीक 10:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचेंगी। उस कार्यक्रम में हमारे अजमेर के सभी गणमान्य लोग भी सम्मिलित होंगे, जिसमें हमारे मेयर हैं, ADA के चेयरमैन हैं, नगर के अध्यक्ष हैं, IG हैं, हमारे कलेक्टर महोदय हैं, साथ में हमारे एक क्षेत्र की पार्षदा हैं, और बाकी भी शहर के जो बाकी हमारे गणमान्य विद्यार्थियों से स्नेह रखने वाले ऐसे शिक्षाविद, जनप्रतिनिधिगण वह भी रहेंगे, जिला प्रमुख भी रहेंगी। इस प्रकार मिलाकर के अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां यहाँ हमने मोइनुल इस्लाम स्कूल में शुरू कर दी हैं। देखा, लगभग 3,000 के आसपास कुर्सियाँ लग रही हैं, और उसके साथ चारों ओर मंच भी सज रहा है, और गर्मी है इसलिए हमने कूलरों की भी व्यवस्था की है। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक और अद्भुत कार्यक्रम होगा, और जो प्रतिभा अजमेर की है, जिनको हमने तराशा है, निखारा है, उनका सम्मान करके हम निश्चित रूप से अजमेर को एक प्रतिभाशाली लोगों का, प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए एक श्रेष्ठ अजमेर, जिसको हम स्मार्ट सिटी के रूप में कहते हैं, वो स्मार्ट केवल सड़कों और बिल्डिंगों से नहीं, लेकिन वहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं यह भी एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में खड़े हों, संस्कार भी मिलें। और इसीलिए इसको हमने इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों के साथ जोड़ा है। हमारे भावनात्मक उसको टच हमारी माननीय स्मृति ईरानी जी देंगी, और हमारे श्री जी महाराज उसको स्पिरिचुअल, ताकि शिक्षा जो कई बार मैं कहता हूँ IQ को EQ और SQ के साथ जोड़ें, तो वह उसको कल सपना साकार होता लगता है।